गाइस, जोहा हेयर एंड वेलकम टू जोहा इनसाइट। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो इन टुडेज वीडियो मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिव मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो है रक्षाबंधन मेकअप लुक। यूजुअली लोग रक्षाबंधन पर इतना ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करते हैं जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से, बट हम जो आउटफिट वेयर करते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते हैं, क्वाइट सिंपल होते हैं, बट दे आर रियली गुड। सो हम उस सिंपल आउटफिट के साथ, जैसे कि मैंने एक सिंपल कुर्ती वेयर की है रियली नाइस डेनिम ब्लू कलर की, तो उसके साथ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लैमरस मेकअप लुक क्रिएट करूंगी तो मेरा जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस मेकअप लुक इज सुपर ईजी टू क्रिएट एंड इज वेरी वेरी ग्लैमरस। सो मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है बाय फॉलोइंग माय CTM रूटीन, एंड अब मैं बेस मेकअप अप्लाई करने वाली हूँ। सो फॉर दैट फर्स्टली आई एम यूजिंग नायका प्रेप मी अप फेस प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड दिस इज अल्ट्रा अफोर्डेबल प्राइमर आई मस्ट से, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत बार आपको डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग के ब्यूटी अंडर कवर कलर करेक्टर स्टिक इन द शेड ऑरेंज, एंड ट्रस्ट मी दिस कलर करेक्टर स्टिक इज सुपर अमेजिंग। बहुत ही कम क्वांटिटी लगती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो मैं अपने अंडर आई एरिया पर थोड़ा सा कलर करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ और जो मुझे एक्ने मार्क्स है उस पर थोड़ा सा कलर करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन उसे फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और प्राइमर के ऊपर ये कलर करेक्टर बहुत ही ज्यादा इजीली ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी लगती है। नाउ आई एम यूजिंग माय करंट फेवरेट कंसीलर एंड दैट इज मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 20 सैंड, और मैं अपने अंडर आई एरिया पर वी शेप की तरह इसे अप्लाई कर रही हूँ और आईलेट्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ वॉन्ड की हेल्प से ही, और पैक के इस कंसीलर ब्रश की हेल्प से अच्छे से कंसीलर को स्प्रेड करके ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे थोड़ा सा कंसीलर और अप्लाई करना चाहिए अपने आई एरिया के अराउंड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हैवी मेकअप करना है इसलिए, और चीक्स पर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, चिन पर भी एंड फॉरहेड पर भी, और अपने आई एरिया, नोज एंड माउथ एरिया के अराउंड भी अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी जिस तरह से मैंने कंसीलर अप्लाई किया वो देख कर। सो मेकअप इज समथिंग जिसके साथ प्ले करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं अच्छे से अभी पैक के उस कंसीलर ब्रश की हेल्प से ही कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। Now I'm using Maybelline Fit Me Foundation in the shade 230 Natural Buff, और मैं direct जो foundation का tube है उसकी help से ही अपने face पर apply कर रही हूँ, and then इस foundation brush की help से इसे अच्छे से apply करके, face पर apply करके blend कर रही हूँ। और ये foundation brush भी Pack Cosmetics का है, मैंने Pack Cosmetics का एक complete makeup brush set buy किया है, so उसी में ये सारे brushes आए हैं, so इन पर कोई भी number नहीं है, but मैं Pack Cosmetics का जो brush set का purchase link है Nykaa का वो description box में add कर दूंगी, so आप check कर सकते हैं। और इस तरह के फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई करने पर बहुत ही नेचुरल लुकिंग एंड ड्यूवी फिनिश आती है फाउंडेशन की, सो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और मैं बहुत सारा फाउंडेशन एक साथ अप्लाई नहीं करती हूँ, धीरे धीरे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जब हम एक साइड वर्क कर रहे होते हैं सो दूसरे साइड का जो फेस है वहाँ पर फाउंडेशन ड्राई हो जाता है. सो इट्स बेटर कि एक साइड का फेस पर अच्छे से हम फाउंडेशन लगा लें, देन उसके बाद दूसरे जो फेस का दूसरा साइड है उस पर अप्लाई करें. सो वही मैं कर रही हूँ, अच्छे से अपने फॉरहेड, फेस एंड नेक को मैं फाउंडेशन से कवर कर रही हूँ. एंड यू कैन सी दैट दिस फाउंडेशन इज रियली वेरी नेचुरल लुकिंग. मैंने दो फाउंडेशन शेड्स बाय किए थे, 220 एंड 230, और दोनों ही शेड मुझे परफेक्टली सूट हो गए हैं. और मैं फाउंडेशन को अच्छे से अपनी हेयर लाइंस तक ब्लेंड करूंगी, नेक पर भी अच्छे से अप्लाई करूंगी और अपने ईयर्स पर भी अप्लाई करूंगी, सो दैट जो मेरा कंप्लीट स्किन टोन है वो इवन दिखे. नेक्स्ट आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी इजी बेक लूज पाउडर इन द शेड बनाना ब्रेड. और मैं इस पैक के स्मॉल पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ इस पाउडर को. और ये जो मेरा फाउंडेशन है ये थोड़ा सा ड्यूवी दिख रहा है और अभी मेरा टी जोन एरिया थोड़ा सा ऑयली हो गया है. सो मैं अच्छे से पाउडर अप्लाई करूँगी और कम्प्लीटली सेट कर दूंगी सो दैट एक डेमी मैट काइंड ऑफ फिनिश दिखे. बहुत ही ज़्यादा कम्प्लीटली मैट भी नहीं बट बहुत ही ज़्यादा ड्यूवी भी नहीं. और स्मॉल पाउडर ब्रश मैंने इसलिए पिक किया है सो दैट मैं अच्छे से अपने कंप्लीट फेस के हर एक एरिया को अच्छे से पाउडर से सेट कर सकूं. मैं अपने नेक एरिया को भी इसी इजी बेक लूज पाउडर की हेल्प से सेट करूंगी. एंड थोड़ा सा फेस्टिवल टाइम है सो जितना अच्छे से मेकअप सेट रहे उतना अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो केकी दिखने लगेगा, स्वेट की वजह से निकलने लगेगा जो कि अच्छा नहीं लगता है. सो अच्छे से मेकअप को सेट करना, बेस मेकअप को सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग एट्यूड हाउस ड्रॉइंग आईब्राउ इन द शेड 02 ग्रे ब्राउन. मैं स्पूली की हेल्प से अपने आईब्राउ के हेयर को अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रश कर रही हूँ. ये स्पूली बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनफैक्ट ये पूरा प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, आई थिंक अराउंड 250 रुपीज़ का ही है और डिस्काउंट पर भी मिल जाता है सो आप चेक कर सकते हैं. मेरी आईब्राउ नेचुरली काफ़ी बुशी है सो मैं सिर्फ स्पूली की हेल्प से थोड़ा सा ब्रश करती हूँ अपने हेयर्स को शेप में लाने के लिए एंड उसके बाद थोड़ा सा प्रोडक्ट को अपने ब्राउ बोन के साइड पर ही अप्लाई करके डिफाइन करती हूँ. यानी कि आईब्राउ के आउटर साइड ही इनर साइड पर मैं थोड़ा सा नेचुरली जो फेदर लुकिंग टच रहता है आईब्राउ का वही रहने देती हूँ, वही ज्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट मैंने इजी बेक लूज पाउडर ही लिड पर पिक किया है और नायका के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने अंडर आई एरिया पर इसे अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू बेक माई अंडर आई एरिया. और इस पाउडर को मैं अपने टेम्पल्स तक ड्रैग कर रही हूँ जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा लिफ्टेड लुक है बट मुझे टेप अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प लुक नहीं चाहिए इसलिए मैं पाउडर ही अप्लाई कर ले रही हूँ सो दैट मुझे एक बाउंड्री काइंड ऑफ मिल जाएगी कि मुझे इस बाउंड्री के अंडर ही मुझे अपना आई मेकअप अप्लाई करना है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन लंदन की वाइल्ड एनिमल पैलेट कलेक्शन में से इंटेग्रिटी वेरिएंट. और ये एक मल्टी कलर पैलेट है एंड ट्रस्ट मी दिस इज माय फेवरेट नाउ, ये मेरी करंट फेवरेट मल्टी कलर आई शैडो पैलेट है. सबसे पहले मैं इस पैलेट में से ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैट ऑरेंज शेड पिक कर रही हूँ ऑन दिस रियली नाइस फ्लफी आई शेडो ब्लेंडर ब्रश और अपने क्रीज पर इसे अप्लाई कर रही हूँ एज इन ट्रांजिशन शेड. और बिल्कुल भी इसकी हार्श लाइन नहीं रहने देना है, कम्प्लीटली ब्लेंड करना है, जस्ट जो हमारा ओरिजिनल आईलिड का जो कलर है उससे थोड़ा सा ऑरेंजिश दिखे, थोड़ा सा ज़्यादा यू नो डिफाइंड दिखे. इसलिए आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा प्रॉपरली एंड सीमलेसली इसे ब्लेंड किया है और इसी तरह से आपको इसे ब्लेंड करना है. आप चाहें तो इस जगह पर कोई भी मैट पीची शेड या फिर मैट गोल्ड शेड या फिर मैट सॉफ्ट ब्राउन शेड भी एज इन ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं ये एक बहुत ही इलेक्ट्रिक शिमरी ब्लू शेड पिक कर रही हूँ ऑन दिस फ्लैट एंड डेंस आई शेडो ब्रश.
इसे मैं अपने लिड के हाफ तक अप्लाई करूंगी एंड ओ माय गॉड दिस शेड इज सुपर पिगमेंटेड. मैं इतना ज्यादा खुश हो गई थी इस शेड को अप्लाई करते ही. एंड मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर से लेकर अपने क्रीज लाइन तक इसे अच्छे से यू नो लाइक अ कट क्रीज की तरह इसे अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलिड के हाफ तक. एंड जस्ट सी कि ये शेड कितना ज्यादा पिगमेंटेड है. एंड मेक श्योर कि आप भी कोई ऐसा ही पिगमेंटेड शेड ही पिक कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा शिमरी हो. बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. और ब्लू की जगह पर आप अपनी पसंद का कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हैं. एंड मेक श्योर कि आप अपनी क्रीज की शेप में इसे बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं और अपने आई लिड के हाफ तक इसे अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं. एंड इसे हमें बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है. पैटिंग मोशन में ही, प्रेसिंग मोशन में ही इसे अप्लाई करना है. बहुत ज्यादा ब्लेंड करेंगे तो फिर ये शेड यहाँ वहां फैलने लगेगा. और हमें एक बहुत ही क्रिस्प लुक चाहिए इनर साइड में, इनर कॉर्नर ऑफ आईज में. सो इसलिए इसे ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ पैट करना है. एंड हियर आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. नाउ अगेन मैं ये मैट ऑरेंज शेड पिक कर रही हूँ ऑन दिस बिग एंड फ्लैट आई शेडो ब्रश. और इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने इसे एज एन विंग लाइनर थोड़ी सी आउटलाइन क्रिएट की है. और जो मैंने क्रीज को डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लू शेड, उसी क्रीज की शेप में मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और एक प्रॉपर शेप क्रिएट कर रही हूँ. अगर आपको कट क्रीज मेकअप लुक नहीं आता है सो इस तरह से भी आप सेमी कट क्रीज मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं. और ये एक बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है सेमी कट क्रीज मेकअप लुक क्रिएट करने का. और बहुत ही अच्छे से मैंने इस ऑरेंज शेड को ब्लेंड कर लिया है, बट ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से नहीं, उसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से. मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से अप्लाई किया है, बहुत ही सॉफ्टली अप्लाई किया है, जिसकी वजह से कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखेगी. बट जहां पर ब्लू एंड ऑरेंज शेड मिक्स हो रहे हैं वहां पर तो हार्श लाइन है ही. सो उस हार्श लाइन को सॉफ्टन करने के लिए मैं आईशैडो पैलेट में से ही ये बहुत ही सॉफ्ट लाइट ग्रे शेड पिक कर रही हूँ ऑन दिस फ्लफी आईशैडो ब्लेंडर ब्रश. ये एक छोटा आईशैडो ब्लेंडर ब्रश है और अपने जो आईबॉल है उस पर इसे पैट कर रही हूँ वहीं सेंटर पर जहां पर दोनों शेड मिक्स हो रहे हैं, सो दैट वो बहुत ही ज्यादा इजिली एंड सीमलेसली ब्लेंड हो जाए. एंड यू कैन सी कि बहुत ही ज्यादा इवन शेड दिख रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल एक ओम्ब्रे काइंड ऑफ आई लुक क्रिएट हुआ है. अगेन मैं फ्लैट एंड डेंस आई शेडो ब्रश पर उस ब्लू शेड को पिक करके अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, बट इनर हाफ पर ही. एंड देन उसके बाद मैं ऑरेंज शेड पिक कर रही हूँ ऑन दैट फ्लैट आई शेडो ब्रश जो कि मैंने पहले पिक किया था जिस पर ऑरेंज शेड, उसी पर ऑरेंज शेड को पिक करके अपने आउटर लोअर लैश लाइन पर इसे अप्लाई कर रही हूँ और जो मैंने विंग क्रिएट किया है उसी के साथ ब्लेंड कर रही हूँ. एंड अगेन दोनों शेड के बीच में जो हार्श लाइन है उसको सॉफ्टन करने के लिए मैं ग्रे शेड पिक कर रही हूँ ऑन दैट सेम स्मॉल आई शेडो ब्लेंडर ब्रश और स्लाइटली अप्लाई कर रही हूँ, स्लाइटली ब्लेंड कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन के सेंटर पर. अब मैं इस बिग आई शेडो ब्लेंडर ब्रश पर इजी बेक लूज पाउडर पिक करके जो भी हार्श एजेस है उसे ब्लेंड कर रही हूँ और क्लीन भी कर ले रही हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा आई लुक है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली डिफाइन दिखेगा और जितना भी आई शेडो का फॉल आउट हुआ होगा वो भी इजिली रिमूव हो जाएगा. बट ट्रस्ट मी, इस आई शेडो का फॉल आउट हुआ ही नहीं है, लाइक बहुत ही ज्यादा मिनिमम फॉल आउट है. सो दिस आई शेडो पैलेट इज सुपर अमेजिंग, ट्रस्ट मी. नेक्स्ट आई एम यूजिंग फोकालोर बीम ग्लिटर हाइलाइटर इन द शेड प्लैटिनम. इसे मैं डायरेक्ट ब्रश एप्लीकेटर की ही हेल्प से अपने आईलिड के सेंटर पर यानी कि आईबॉल एरिया जहां पर होता है, जहां पर हमने वो ग्रे शेड अप्लाई किया था, वहीं पर मैं इसे अप्लाई करके अपनी मिडल फिंगर की हेल्प से अच्छे से पैट कर रही हूँ. ब्लेंड नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है, जस्ट पैट करना है. और एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी अप्लाई नहीं करनी है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अप्लाई करते जाना है और अच्छे से उसे पैट करना है आईबॉल एरिया पर. और इसी स्टेप को आपको 3 से 4 बार फॉलो करना है जब तक आपको ऐसा फील नहीं होता है कि जितना आपको पॉपी लुक चाहिए अपने आईबॉल एरिया पर उतना डिजायर्ड लुक आपको अचीव नहीं हो गया है. सो 3 से 4 बार इस स्टेप को फॉलो करना सफिशियंट होता है.
और इस ग्लिटर आईलाइनर को मैंने जो आई शेडो का आउटलाइन है उस तक ड्रैग नहीं किया है, बस बहुत ही ज्यादा सेंटर में ही इसे अप्लाई किया है, बिल्कुल आउटलाइन तक मैंने ड्रैग नहीं किया है, क्योंकि जो आई शेडो का एक डिफाइंड लुक है, दैट रियली नाइस डिफाइंड कली के जैसा जो शेप बना है, उसे मुझे बिगाड़ना नहीं है, बस मुझे आईबॉल के सेंटर पर ही ग्लिटर आईलाइनर को अप्लाई करना है। अगर मैंने ग्लिटर आईलाइनर को एकदम आउटर एज तक, बाउंड्री तक, आउटलाइन तक ड्रैग कर लिया, तो फिर उसके बाद वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा, वो ब्यूटीफुल लुक अचीव नहीं होगा जो अभी आप वीडियो में देख सक रहे हैं। नेक्स्ट आई एम यूजिंग द बॉडी शॉप स्किनी थिन फेल्ट आईलाइनर, और इससे मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल विंग लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और जो मैंने विंग क्रिएट किया है वो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज, जो मेरा शेड है जिससे मैंने लाइनर काइंड ऑफ लुक क्रिएट किया था, उसके थोड़ा सा ऊपर विंग क्रिएट किया है, उसके अंदर मर्ज नहीं किया है, ऑरेंज शेड में मर्ज नहीं किया है। और ऐसा करने से, यानी कि ऑरेंज शेड के थोड़ा सा ऊपर विंग क्रिएट करने से, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आप अचीव कर सकेंगे। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल डुअल आईलाइनर काइंड ऑफ लुक भी आप देख सकते हैं, ब्लैक के नीचे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज आईलाइनर लुक भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही सटल शिमरी पिंक शेड पिक किया है टू हाईलाइट इनर कॉर्नर ऑफ माय आईज, बट इसमें एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइलैक अंडरटोन था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पॉपी नहीं लग रहा था मेरा जो आईज का इनर कॉर्नर है। सो उसके बाद मैंने आईशैडो पैलेट में से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन पिंक काइंड ऑफ शेड पिक किया है और अपने आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है, और इसके बाद जो आई लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग कलरबार शो स्टॉपर आई लैश कलर, और इससे मैं अपने आई लैश को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर्ल कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि मेरे अंडर आई एरिया पर ऑरेंज शेड थोड़ा सा फेड हो गया है, सो बस मैं वही थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट गिविंग सम फिनिशिंग टच। और टिश्यू की हेल्प से जो भी एक्सेस ऑरेंज शेड है उसे क्लियर करके प्रिसाइज कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग रिमल लंदन एग्जैजरेट वाटरप्रूफ आई डिफाइनर इन द शेड 213 इन द न्यूड, और मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट मेरा जो आई एरिया है, मेरी जो आईज है, वो थोड़ी सी ओपन दिखे और पॉपी दिखे। क्योंकि हमने मेकअप थोड़ा सा हैवी किया है, सो जो लोअर वाटर लाइन रहती है उस पर एक लाइट कलर का, न्यूड कलर का आई डिफाइनर अप्लाई करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग लॉरियल वॉल्यूमनस स्लैश पैराडाइज मस्कारा, और मैंने इस मस्कारा के 2 coats अप्लाई किए हैं फॉर दैट रियली नाइस ड्रामेटिक लुक, क्योंकि हमें इसे वेयरेबल भी रखना है और काफी सारे लोग फॉल्स लैशेज अप्लाई नहीं कर पाते हैं, सो विदाउट फॉल्स लैशेज भी आप मस्कारा को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं टू अचीव दैट फॉल्स लैश काइंड ऑफ लुक। नेक्स्ट आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन ब्रॉन्जर इन द शेड वॉट शेडी बीचेस, और मैं ये एक स्लांटेड कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से इस ब्रॉन्जर को पिक कर रही हूँ और अपने फेस पर इस ब्रॉन्जर को अप्लाई कर रही हूँ। ब्रॉन्जर को चीक्स के हॉलोज के जस्ट ऊपर एंड एप्पल ऑफ चीक्स के जस्ट बिलो, यानी कि दोनों के मिडल में अप्लाई करना रहता है, एंड इससे एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डिफाइंड एंड सनकिस्ड लुक आप अचीव कर सकते हैं। और ब्रॉन्जर को ब्लेंड करते करते टेम्पल्स की तरफ भी ले जाना चाहिए फॉर दैट रियली ब्यूटीफुल सनकिस्ड लुक।
और इसी ब्रॉन्जर की हेल्प से मैं अपनी नोज को भी डिफाइन कर रही हूँ एंड अपनी जॉ लाइन पर भी इसे अप्लाई कर रही हूँ फॉर दैट रियली नाइस चिजल्ड लुक, और अपने फॉरहेड पर भी थोड़ा सा डस्ट कर रही हूँ। और फॉरहेड पर डस्ट करते करते हमें हेयरलाइन में इसे मिक्स करना रहता है सो दैट वो एक बहुत ही अच्छा सा सनकिस्ड लुक दिखे। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मैक पाउडर मैट ब्लश इन द शेड मेल्बा। ये मेरा फेवरेट ब्लश है, दिस इज अ वेरी नेचुरल लुकिंग ब्लश, और इसे मैं ब्लशर ब्रश को पिक करके अपने चीक्स पर अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ। और ये ब्रश थोड़ा सा एक साइड से स्लांटेड है जिसकी वजह से ब्लश बहुत ही ज्यादा अच्छा अप्लाई होता है। एंड यू कैन सी दैट दिस ब्लश इज सुपर ब्यूटिफुल एंड वेरी नेचुरल लुकिंग। और इसे मैं अपने नोज पर भी अप्लाई करूंगी फॉर दैट रियली नाइस फ्रेश लुक। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मैक मिनरलाइज स्किन फिनिश इन द शेड सॉफ्ट एंड जेंटल, और इसे मैं हाईलाइटर ब्रश पर पिक करके अपने चीक बोन्स पर अप्लाई कर रही हूँ और अपने चीक बोन्स को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। एंड येस, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज इतना ज्यादा अच्छा पॉपी एंड ग्लैमरस मेकअप लुक है तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाईलाइटर इज मस्ट, आई जस्ट लव इट। और हाइलाइटर को मैं अपने टेम्पल्स पर एंड आईब्राउ के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ इन सी शेप सो दैट जो हमारा आई मेकअप है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइंड दिखे। थोड़ा सा हाइलाइटर मैं अपने फोरहेड के सेंटर पर भी डस्ट करूंगी, ब्रिज ऑफ माय नोज, क्यूपिड्स बो एंड चिन पर भी अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग के ब्यूटी मैट एक्शन लिप लाइनर इन द शेड अनलीश, और इससे मैं अपना जो लिप शेप है उसे अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। पहले आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ देन उसके बाद अपने कंप्लीट लिप्स पर इसी लिप लाइनर की हेल्प से फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस मेकअप लुक के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्ट ब्राउन लिप कलर वेयर कर सकते हैं, पीची ब्राउन लिप कलर वेयर कर सकते हैं, या फिर इस तरह का पिंकी पीची न्यूड ब्राउन भी लिप कलर वेयर कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना था क्योंकि इससे मेरा आई मेकअप स्लाइटली डल दिख रहा था। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे थोड़ा सा पिंक शेड ऐड करना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉवी न्यूड पिंक शेड ऐड करना चाहिए। तो मैंने मैक का मैट लिपस्टिक यूज किया है इन द शेड मेहर, और मेहर को मैंने बहुत ही स्लाइटली अप्लाई किया है, बस लिप्स के सेंटर पार्ट पर ही, आउटलाइन तक मैंने ड्रैग नहीं किया है लिपस्टिक को, बस सेंटर में अप्लाई किया है फॉर दैट रियली नाइस डिफाइंड एंड फुलर लिप काइंड ऑफ लुक। और लिपस्टिक अप्लाई करने की वजह से हाइलाइटर थोड़ा सा हट गया था, और मुझे अपने क्यूपिड्स बो को हाईलाइट करना बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मैक मिनरलाइज्ड स्किन फिनिश इन द शेड सॉफ्ट एंड जेंटल। और हाईलाइटर थोड़ा सा लिप्स पर आ गया था सो जस्ट मैंने मेहर अप्लाई करके उसका जो शेप है उसे मेंटेन किया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग निक्स ड्यूवी फिनिश सेटिंग स्प्रे। अगर आपको एक बेस्ट ड्यूवी फिनिश सेटिंग स्प्रे चाहिए सो दिस इज अ मस्ट बाय, और इसे मैं अपने फेस पर स्प्रे कर रही हूँ आई एरिया को अवॉइड करके और नायका के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से स्किन पर पैट कर रही हूँ। और जैसा मैंने आपसे कहा फेस्टिव मेकअप है तो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटर तो बनता ही है, इसलिए मैं थोड़ा सा सॉफ्ट एंड जेंटल ज्यादा अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्राउ बोन एरिया पर और अपने चीक बोन्स पर भी। और सेटिंग स्प्रे के बाद हाईलाइटर अप्लाई करने से बहुत ही ब्यूटीफुल लुक अचीव किया जा सकता है। सो या दिस इज द फाइनल रक्षाबंधन मेकअप लुक। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही शेड्स यूज करें, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेड यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लिटर लाइनर नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, और इस मेकअप को आप सिर्फ रक्षाबंधन पर ही वेयर करें ये भी नेसेसरी नहीं है, कभी भी किसी भी फेस्टिवल में भी वेयर कर सकते हैं, किसी पार्टी में, वेडिंग में, कभी भी वेयर कर सकते हैं। अगर आप इस मेकअप लुक को रिक्रिएट करें तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर टैग कीजिएगा, मैं आपके लुक को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी पोस्ट करूंगी। आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ज़ोहा इनसाइट फॉर मोर सच अमेजिंग मेकअप लुक्स। विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।